नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का में चर्चा करेंगे हम यहां पर कम्युनिटी बाजार की। जानेंगे कि सुबह के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने चांदी से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं रूपा जी, जिनसे जानेंगे कि सोने चांदी का बाजार आज कैसा देखने को मिल सकता है। रूपा जी, सोने चांदी की बात करें तो सोने चांदी में आज भी देख रहे हैं वही नरमी वाला रुख देखने को मिल रहा है। MCX की बात करें तो MCX सिल्वर 60,617 पर है, वहीं गोल्ड 50,900 के दायरे में। इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में भी कोई ज़्यादा खास बढ़त देखने को नहीं मिली है, कल के मुकाबले लगभग कल वाले ही लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। रूपा जी, जिस हिसाब से रशिया यूक्रेन का वॉर जारी है, डॉलर में लगातार तेजी है, तो अब गोल्ड का जो बाजार है आज इंट्राडे में इस के मद्देनज़र कैसा रह सकता है? देखिए, अभी भी इंट्राडे की अगर बात करें तो अभी भी प्रेशर तो लगातार बना हुआ है गोल्ड के ऊपर, क्योंकि डॉलर लगातार तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी जैसा कि हमने देखा, इंटरेस्ट रेट हाइक के चलते अभी इन्फ्लेशन के ऊपर काफी ज्यादा जो है असर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यूएस इन्फ्लेशन का भी डाटा भी आना है, उसके ऊपर भी नजरें रहेंगी। तो इसके चलते अभी डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ है, जो कि गोल्ड को थोड़ा सा प्रेशर में ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कल के मुकाबले गोल्ड जरूर संभलता हुआ दिखाई दिया है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखें तो आज 1850 डॉलर के ऊपर है, कल जबकि 1830 डॉलर के 30-40 के बीच में कारोबार करता दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी भी जो सपोर्ट है नीचे में 1840 डॉलर से लेकर नीचे में 1820 डॉलर तक एक बार हो सकता है कि देखने को मिले। तो अभी फिलहाल के लिए प्रेशर बना रह सकता है। और अगर घरेलू बाजारों की बात करें तो घरेलू बाजारों में भी ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर देखने को मिल सकता है। आज इंट्राडे में हो सकता है 51,000 तक गोल्ड देखने को मिले, 51,000-51,200, नीचे में 50,800-50,600 की रेंज फिलहाल 1-2 ट्रेडिंग सेशन में बनती हुई दिखाई दे रही है। जी, यहीं से रूपा जी क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल को कल को हमने उसमें तेजी आते हुए देखी थी, लेकिन आज देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से यहाँ पर लाल निशान देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर। इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 0.25% WTI ब्रांड क्रूड ऑयल गिरे हुए हैं। WTI $104 पर है, ब्रांड क्रूड ऑयल $106 पर। रूपा जी, आपको क्या लगता है, अब जिस हिसाब से चाइना से खबर निकल के सामने आई है कि कोरोना के जो केसेज हैं उसमें कुछ कमी देखने को मिली है, तो क्या अब इस खबर से क्रूड ऑयल का जो बाजार है उसमें उछाल देखने को मिल सकता है या फिर अभी भी क्रूड में यहाँ पे नरमी बनी रहेगी? देखिए, क्रूड में काफी वोलेटाइल है मार्केट और सेम सिनेरियो जो है क्रूड में भी देखने को मिल रहा है। अभी ऊपरी स्तरों से बाजार जो है जरूर फिसला हुआ है, क्योंकि रिसेशन का फियर इंटरनेशनल मार्केट में बना हुआ है और ओवर जो सप्लाई है, सप्लाई को लेकर भी अभी काफी कंसर्न है, जिसकी वजह से कच्चा तेल जो है वो काफी वोलेटाइल जो है मार्केट के अंदर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीक में जरूर प्रेशर में आया है, लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो इसका भी रेंज बनता हुआ दिखाई दे रहा है फिलहाल के लिए। और नीचे में जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि 90-92 डॉलर डाउनसाइड में है, तो ऊपर में 118-120 डॉलर, तो फिलहाल ये रेंज है। और आज इंट्राडे में थोड़ा प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है विदेशी बाजारों में, तो हो सकता है डोमेस्टिक मार्केट भी हल्के लुढ़कते हुए दिखाई दे, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। डिप और बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी लेकर चला जा सकता है। अभी आज इंट्राडे में नीचे में 8,060 से 8,040 तक नीचे लुढ़क सकता है और ऊपर में 8,120 से 8,140 की रेंज हो सकती है। तो फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म रैली है, इसमें बिकवाली की जा सकती है, लेकिन स्टिकली स्टॉप लॉसेस के साथ, क्योंकि बाजार जो है वो काफी वोलेटाइल है, ट्रेंड पॉजिटिव है। जी रूपा जी, बेस मेटल्स में क्या लगता है आपको? इसी के साथ देख रहे हैं कि बेस मेटल्स में काफी समय से मंदी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। देखिए, चाइना की डिमांड जो है वो कम हुई है, जिसकी वजह से बेस मेटल जो है वो प्रेशर में आते दिखाई दे रहे हैं और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार दबाव बना हुआ है और अभी भी बाजार जो है वो दबाव के साथ ही ट्रेड करते दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिंक जो है वो 300 तक नीचे लुढ़क सकता है, 300 इनफैक्ट 280 तक। और वही कॉपर की बात करें तो कॉपर भी 720 तक नीचे लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, यहीं से रूपा जी बात करें नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस में भी हमने यहाँ पर लाल निशान पर कारोबार देख रहे हैं, ऊपरी स्तर पर नेचुरल गैस में भी देख रहे हैं मुनाफा वसूली बनी है। रूपा जी, खबरें हैं कि नेचुरल गैस का जो आउटपुट है उसमें कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली है और कुछ वार्म वेदर कंडीशंस हैं, लेकिन रूपा जी इसी के बीच ये भी देखा जा रहा है कि रशिया यूक्रेन का वॉर जारी है, जिसकी वजह से नेचुरल गैस की जो सप्लाई है वो भी अभी भी मार्केट में सीमित है। रूपा जी, एक फंडामेंटल ये है तेजी वाले तो दूसरे नेगेटिव वाले, तो ऐसे में अब नेचुरल गैस का बाजार कैसा रहेगा?
और देखिए नेचुरल गैस का बाजार जो है, देखिए ओवरऑल देखा जाए तो काफी पॉजिटिव रह चुका है ऑलरेडी। अब यहाँ पर कभी भी करेक्शन देखने को मिल सकता है और वो करेक्शन बड़ी भी हो सकती है, लेकिन ट्रेंड अभी भी थोड़ा सा पॉजिटिव ही है, क्योंकि दोनों ही अगर देखा जाए मार्केट के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है और एनर्जी सेक्टर के अंदर। तो नेचुरल गैस हल्की फुल्की गिरावट जो है इंट्राडे परस्पेक्टिव से भी आपको देखने को मिल सकती है, थोड़ा सा बाजार प्रेशर में जा सकता है क्योंकि विदेशी बाजार भी थोड़े से ऊपरी स्तरों पर चलते हुए दिखाई दिए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। अगर नीचे गिरता भी है नेचुरल गैस, जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में भी 1% के आसपास गिरा हुआ है, तो नीचे में 580 से 560 तक नीचे लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है, और अगर वहां से नीचे फिसलता है तो फिर ज्यादा गिरावट बढ़ती हुई नजर आ सकती है। जी रूपा जी, नॉन एग्री कमोडिटीज में टॉपिक्स क्या चाहेंगी आप? देखिए नॉन एग्री कमोडिटीज में आज सभी जो है बाजार जो है वो थोड़ा सा प्रेशर में दिखाई दे रहा है, आज गिरावट बढ़ सकती है। मुझे लगता है कि बेस मेटल्स में भी स्पेशली जिंक के अंदर भी क्वाली करके चला जा सकता है, 310 308 का स्तर जिंक में 1-2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। जिंक के साथ साथ आज क्रूड भी थोड़ा सा नीचे जा सकता है, 8040 तक के टारगेट के लिए क्रूड में भी क्वाली की जा सकती है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि मुनाफे की खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।